स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर डायोड पर। पीन जंक्शन हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि पीन जंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या है, किस तरह ये ऑपरेट करता है, इसकी वर्किंग हम पढ़ते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर जिस तरह के हमने डिफाइन किया, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल करंट पास होता है, यानी उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो कंडक्टर से कम होता है। और डायोड क्या है? डायोड एक्चुअली डाई देखिए हम कहते हैं टू को, और डायोड का मतलब है कि इसमें हम दो किस्म के मटेरियल्स, पी जंक्शंस सॉरी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स आपस में कंबाइन कर लेते हैं, और फिर उसको हम दो तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं। तो इन दोनों की कंबिनेशन से जो हमारे पास बनता है डिवाइस, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। फर्स्ट इसमें हमारे पास दो किस्म के कनेक्शंस होंगे कि किस तरह हम इसको ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक टाइप इसका, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा है रिवर्स बायस, जो कि हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फॉरवर्ड बायस क्या है, जिस तरह कि हमने पढ़ा कि अगर आपके पास एक पी टाइप मटेरियल है, एट सपोज ये हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं मूवमेंट के लिए, या जिनको हम होल कहते हैं, होल्स, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इसमें, इसको हम पी टाइप इसीलिए कहते हैं, या यहाँ पर यू हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसमें होल्स होते हैं पॉजिटिव टाइप यू। देखें अब अगर हम नेक्स्ट इसके साथ एक और जिसको हमने एन टाइप का नाम दिया था, अगर वो हम इसके साथ कनेक्ट कर ले तो देखिए किस तरह बिहेव करेगा। जब इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को, तो हमारे पास बनता है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। इसमें होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको नेगेटिव टाइप कहते हैं। अब देखिए जब हमने इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इस साइड पे डिफ्यूज हो जाते हैं, यू पी टाइप में एंटर हो जाते हैं, और होल्स इस साइड पे आते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है एटम्स में, हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव आयन्स बनते हैं यू, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए तो इलेक्ट्रॉनों की चार्ज यहां पर कम हो गई है, नेगेटिव चार्ज कम हो गई है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पेयर होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, यहां पर एक्स्ट्रा हो गए, तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पर जो आयन्स बनेंगे इसके साथ वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। सो यहां पर देखें एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, बैरियर का मतलब है रुकावट, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। अब इस पीएन जंक्शन को अगर हम फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर ले बैटरी के साथ, एक्सटर्नल बैटरी के साथ, हम देखते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट करता है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। बैटरी अगर हम इस तरह कनेक्ट कर ले कि इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल वो पी टाइप के साथ कनेक्ट हो जाए, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये वाला, ये हम एन टाइप के साथ कनेक्ट कर ले। देखिए ये एन टाइप है, इसमें नेगेटिव टाइप चार्जेस हैं, ये पी टाइप है, इसमें पॉजिटिव टाइप चार्जेस हैं, और ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि बैटरी की का ये जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है, और इसके साथ कनेक्ट भी हमने पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर किया है, दोनों पर एक जैसा चार्ज है, तो ये बैटरी का ये वाला पोटेंशियल क्या, ये टर्मिनल क्या करेगा, ये इन पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेंगे, चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल हो जाएंगे। देखिए जब ये रिपेल होंगे तो ये इस तरफ आ जाएंगे, जब इस तरफ आते हैं तो देखें अब यहां पर नेगेटिव आयन्स हैं, जब होल इस तरफ आते हैं तो चूंकि ये उसके अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहां पर ये नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन को कम कर देते हैं, चूंकि यहां पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जब इसकी तरफ पॉजिटिव होल्स आ जाएंगे तो इसकी जो कंसेंट्रेशन, ये उनके साथ मिल जाएंगे और इनकी कंसेंट्रेशन को कम कर लेंगे। इसी तरह ये जो नेगेटिव साइड है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, चूंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर रिपेल हो जाएंगे। देखें यू दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स यू मूव करेंगे चूंकि वो इसको रिपेल करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रिपेल होंगे तो ये पॉजिटिव के साथ जब कंबाइन करते हैं, तो देखें यहां पर इनकी पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी,
अब जितने ज्यादा आप उसको वोल्टेज देंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ाएंगे, उतने ज्यादा यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल होंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो बैरियर है, ये बैरियर जिसको हम डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, जहां पर मूविंग चार्जेस नहीं होते, इसीलिए इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं, ये वीक बन जाएगा। और जितना हम जितने हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे उतने जल्दी ये वीक बन जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन्स कम हो जाएंगे, यहां से नेगेटिव आयन्स कम हो जाएंगे पॉजिटिव के आने से। तो देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको क्रॉस कर लेंगे, ये बैरियर इतना वीक बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसको यूं क्रॉस कर लेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में क्रॉस कर लेंगे, तो एज ए रिजल्ट हम देख सकेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से पास करेगा, इस बैरियर में से पास करेगा, यानी जितना हम ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना इजीली वो इस बैरियर को वीक कर लेंगे और एज ए रिजल्ट इसमें करंट पास करता है। तो जब करंट इसमें पास करता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास कनेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी फॉरवर्ड बायस में ये वो कनेक्शन है हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड का जिसमें करंट जो है वो फ्लो करता है। इसी तरह एक हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी, अगर हम कनेक्शंस रिवर्स कर लें उसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस देखिए इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस में जिस तरह के नाम से क्लियर समझ आ रही है कि इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव टाइप है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर ली पॉजिटिव टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए अब इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो बिल्कुल इसी तरह अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स होते हैं जो कि बैरियर बनाते हैं, रुकावट बनाते हैं, चार्जेस को अलाउ नहीं करते कि वो फ्लो कर ले, यहाँ पर नेगेटिव आयन्स बनते हैं ये भी चार्जेस को अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पर चूंकि जो एक्स्ट्रा जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल वो मूव नहीं कर सकते चूंकि रास्ते में बैरियर है, इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स है वो भी मूव नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको इस तरह कनेक्ट कर ले बैटरी के साथ यूं कि इसका जो पी टाइप है वो हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, देखिए बैटरी का नेगेटिव, और जो एन टाइप है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देख रहे हैं कि अब ये हमने कनेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर ली है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सॉरी होल्स क्या करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस तरफ इसको पुल करते हैं, तो वहां पर पुश फोर्स थी, यहां पर पुलिंग फोर्स है, इनको अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, यू इस तरफ इसको मूव कर रहा है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे उतना ही ज्यादा ये जो बैरियर है ये स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि रिवर्स बायस में हमारे पास जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं हो रहा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, अपोजिट होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन इस बैरियर को कोई चार्ज है वो क्रॉस नहीं कर रहा चूंकि वहां पर अट्रैक्शन हो रही है, तो बैरियर जो है वो वीक नहीं हो रहा। और इसीलिए हम कहते हैं जब इस बैरियर को क्रॉस नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज करंट तब फ्लो करेगा जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो जाए यूं इस बैरियर को क्रॉस कर ले इस नेगेटिव पोटेंशियल तक पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस रास्ते में ये बैरियर है इसको क्रॉस नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा और एज अ रिजल्ट इसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो हमारे पास दो किस्म के इसके कनेक्शंस आ गए, एक फॉरवर्ड बायस यानी इसमें करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता, जो रिवर्स बायस है या हम लिख सकते हैं नो करंट, यहां पर करंट फ्लो नहीं करता। तो ये हमारे पास दो कनेक्शंस थे कि किस तरह हम सेमीकंडक्टर डायोड को बैटरी के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये हमारे पास था दो इसके टाइप्स, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस।